अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन वर्ड विद एडिली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा मैं आपके साथ अपनी डे रूटीन शेयर करूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर मिलाद भी है, तो जिसकी वजह से मैं जल्दी उठ गई, कुछ तैयारियाँ करनी थी। इसके अलावा खाना वगैरह बनाने के लिए ग्रोसरी का सामान चाहिए था, तो हमने सोचा पहले हम ग्रोसरी कराते हैं फिर घर आके मिलाद की तैयारियाँ करते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, थैंक यू। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी, मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ताकि पूरा दिन फ्रेश हो के हम गुजार सकें, जो भी काम करने हैं आराम से मैं कर सकूं। तो मैंने पहले बनाया अंडा, जो कि मैंने ऑमलेट बनाया, इसके साथ मैंने ब्रेड को गर्म किया क्योंकि मुझे स्लाइस बनाने थे, इसलिए मैंने पहले मायो लगाया ब्रेड के ऊपर, उसके ऊपर मैं अंडा रख दूँगी, देन उसके ऊपर मैं केचप लगाऊंगी थोड़ी सी, बिल्कुल क्योंकि मुझे ज़्यादा केचप नहीं पसंद, मैं थोड़ी सी डालूंगी। उसके ऊपर मैं इसको पहले स्प्रेड करके ऊपर क्यूकम्बर रखूंगी, देन ऊपर दूसरी ब्रेड रख दूंगी। दूसरा जो है मैं बिल्कुल सादा स्लाइस बनाऊंगी। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। गए थे ग्रोसरी करने के लिए, तो सबसे पहले हम यूटिलिटी स्टोर पे गए, वहाँ से कुछ सामान लेना था, वो सामान लिया गया। तो यूटिलिटी स्टोर से जितना सामान हमने लेना था वो हमने ले लिया। उसके बाद हमने सोचा हम दूसरे स्टोर पे चलते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें ले लेते हैं। तो हम दूसरे स्टोर आ गए, वहाँ से ज़रूरत की जो अशिया रह गई थी वो ली। मौसम भी बहुत अच्छा था तो हमने सोचा आज सही से जो जो चीज़ चाहिए हम सारा ले लेते हैं सामान। और अगर आप मेरी तरह डाइट कॉन्शियस है तो आपके लिए पिंक सॉल्ट किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मैंने अपना कोई फेवरेट शैम्पू लिया। चुकी थी तो हेल्पर ने सारी सफाई कर दी थी, तो ड्राइंग रूम में मिलाद करवाना था तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से टेबल और सोफे हटा देती हूँ या फिर एक टेबल हटा देती हूँ खाली। तो यहाँ मैंने ड्राइंग रूम सेट करवा दिया था नीचे कारपेट बिछा के।
तो यहाँ पर दुआ करवाई जा रही थी, सब लोगों ने अपने हाथ उठाए थे ताकि अल्लाह उनकी दुआएं पूरी करे। तो यहाँ पे एक छोटू सा बच्चा था, उसे बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, बहुत क्यूट सा बच्चा था। खाना पककर रेडी हो चुका था तो मैं खाने की तरफ चली गई ताकि हम सर्व करें सबको। तो हमने ट्रे में सारा खाना डाला। मेरी एक आंटी ने बिरयानी बनाई थी बहुत मज़े की, तो हमने सारा खाना डालकर सर्व करने के लिए ले गए। बहुत ही टेस्टी खाना बना हुआ था। हमने बिरयानी बनाई थी जो कि मेरी एक आंटी ने बनाई थी। बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका। मिलाद के बाद सब लोग जा चुके थे। मैं बहुत खुश थी कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। आज की ये थी मेरी फुल डे रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और मेरे चैनल फैशन वर्ल्ड विद एडिली को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।